राजधानी देहरादून में 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स का 49वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए। मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयोजित कार्यक्रम के दौरान वीर शहीदों को मौन रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने वीर नारियों एवं वीरता पदक प्राप्त पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया। इसी दौरान मंत्री गणेश जोशी ने बटालियन स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह वीरों एवं राष्ट्रभक्तों की भूमि है और देश की सेना का लगभग 17% सैनिकों की पूर्ति उत्तराखंड जैसा कम आबादी वाला राज्य करता है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। 13 नवंबर 1976 को मैंने आर्मी भर्ती हुआ था और अगस्त 77 में मैंने एक सैनिक के रूप में 14 जगह में अपनी सैनिक यात्रा शुरू की और आज इसका 49वां स्थापना दिवस है और हर वर्ष इस कार्यक्रम को हम मनाते हैं क्योंकि मैं आज जहां हूं कहीं भी हूं मेरी सैनिक पृष्ठभूमि की बहुत बड़ी इसमें भूमिका है और मैं हर मंच पे ये कहता हूं कि अगर मैं फौज का रॉयल राइफल का सिपाही नहीं होता तो मैं आज विधायक भी नहीं होता और मंत्री भी नहीं होता। और क्योंकि इस कार्यक्रम में वीर नारियों युद्ध पदक जो हमारे विजेता है सैनिकों और सभी वरिष्ठ जो हमारे पूर्व सैनिक साथी हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि सैनिक का कोई भी कार्यक्रम हो, ये तो मेरी अपनी यूनिट का कार्यक्रम में जब मैंने जहां से मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी तो इसके लिए मैं आज अपने सभी सैनिक के अफसर अधिकारी जवान सबको शुभकामनाएं दी बधाई दी और मेरी कोशिश रहेगी कि इस अपनी यूनिट के लिए क्योंकि तो हालांकि इसके बाद मैं दूसरी बुकिंग 17 गढ़वाल में गया था लेकिन मेरा एक लंबा समय जो है 14 गढ़वाल में बताया और इस अवसर पर मीडिया के माध्यम से सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं।